आ जाओगे दोस्तों, नगाड़े बज रहे हैं और रुमाली रोटी बन रही, देख लो वापस आ गया हूँ एक महीने के बाद। यार मौसम यहाँ बहुत ख़तरनाक होता है, बारिशों से फुर्सत नहीं मिलती है। एक महीने के बाद आज जो था मौसम खुला था, तो मैंने कहा कहाँ जाऊँ, तो मैंने सोचा कि ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, और वो जगह है हमारे यहाँ सैटरडे मार्केट जो अब खुल गई है। तो इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ, और आज से पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, तो जगह पुरानी है और वीडियो नया है। और एक मज़ेदार बात है, हमारे यहाँ अभी अभी मैच ख़त्म हुआ है 11 तारीख को, और आगे आपको कुछ लोग हैं जो मैच ख़त्म होने के बाद भी उनका दिल मैच से इतना लग गया कि वो उसको हटाना ही नहीं चाहते हैं। मतलब वो एक मैच जो है वो एक उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया एक तरीके से समझ लो आप। लेकिन ये देखना आपके मास्क लगाने का तरीका क्या है, हो सकता है कि आपको भी नए नए स्टाइल समझ में आ जाएं कि अगर मास्क लगाना तो कैसे कैसे लगाया जा सकता है। चलो आ जाओ थोड़ा घूमते हैं पहले। और वो सामने जो है इंफिनाडाज और फ्रेश डोनट्स मिल रहे हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो तो वीडियो पूरा देखना, कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी आपको उस वीडियो में जिनको सुनकर आप दंग हो जाओगे या आपकी जीके में इजाफा होगा उससे। तो पूरा देखना वीडियो ज़रूर से अगर आप मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा हो तो। पॉपकॉर्न खाए तो बहुत बार होंगे, आवाज़ सुनना जब बनते हैं तो कैसी आवाज़ निकलती है। और वो देखना भी आपको इजिप्शियन कुजीन, इजिप्शियन खाना मिल रहा है यहाँ पर। और अमेरिका की एक खास बात यह है कि यहाँ पर दुनिया के सारे देशों से लोग आए हुए रहते हैं, और सारे देशों के खाने को अमेरिकन लोग ट्राई करते हैं और खूब मज़े ले खाते हैं, और ख़ास तौर से भारतीय खाने तो बहुत पसंद किए जाते हैं यहाँ पर। एक महीने के बाद आज मेरी लॉटरी निकली है, 12 बजे तक के लिए मौसम सही था। और अभी देखना ज़रा एक फैमिली आ रहा है, मास्क लगाने के बहुत शौकीन हैं वो लोग, मैच ख़त्म हो गया है। देखना आपको आइडिया आएगा, या हो सकता है आप में से बहुत सौ पास पहले से वो आइडिया हो कि मास्क को ऐसे भी लगाया जा सकता है। तो चलाओ देखते हैं, आ गया फैमिली, बस नज़दीक है बिल्कुल। और ये जो अभी दुकान पड़ी है ना, ये सामने जो है चाकू पर धार हो रही है, रामपुरी चाकू मिल रहे हैं यहाँ पर। लोग अपने चाकू लाते भी हैं धार करवाने भी, चाकू रखने का बड़ा शौक होता है यहाँ पर। और देखना देवानंद आ रहे हैं पुराने ज़माने के, वो जा रहे हैं, देखो टोपी भी लगी है, स्कार्फ भी पड़वा गले में। यार मार्केट में सन्नाटा आया आज, ऐसे ये चक्कर क्योंकि तो बारिश है 12 बजे के बाद से, इससे ज़्यादा लोग नहीं है, मेरी मजबूरी थी, बहुत दिन हो गए तो कुछ डाला नहीं था मैंने, इसलिए वीडियो डालना था, इसलिए आया हूँ यहाँ पर मैं आज। और पूरे अमेरिका में जहाँ जहाँ फार्मर मार्केट्स लगती हैं वहाँ पर एक दुकान गुलदस्तों की तो होती होती है। और क्योंकि अमेरिका में जो है गुलदस्तों को ले जाके घर में सजाने का बहुत शौक़ है लोगों को, $15 से लेकर और $25 तक का एक गुलदस्ता मिलता है यहाँ पर। और ये जो है वो एक चौराहा है जहाँ पर बहुत सारी चौक रखी हैं, और बच्चे और बड़े दोनों मिलके अपनी पसंद की चित्रकारी जो सड़क के ऊपर कर सकते हैं, और बच्चे तो इस मामले में बहुत आगे होते हैं। यहाँ पर मोहल्लों में भी लोग जो साइड वॉक होता है, बच्चे उस पर बहुत सारे डिज़ाइन बनाते हैं, और इसीलिए बच्चों को इंगेज करने के लिए ये उन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर। बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए ना मार्केट में, तो बच्चों को मज़ा आता चौक लेके सड़क पे बनाने में। तो ये वो जगह है, चौराहा है बीच का, जहाँ पर बच्चे अपनी चित्रकारी दिखा रहे हैं। और आगे आपको मिलेंगे बहुत सारे कुत्ते भी अभी देखने के लिए। और यहाँ पर एक ख़ास बात है कि जब कहीं जाते हैं लोग घर वाले घूमने के लिए, और अगर वहाँ पर कुत्ते को ले जाने की इजाज़त हो तो ज़रूर से लेकर जाते हैं। हमने भी कुत्ता पाला हुआ था इंडिया में,
बरेली में, और इसलिए पा रहा था कि चौकीदारी करने के लिए, तो जब कहीं जाते थे तो कुत्ते को छोड़ के जाते थे कि चौकीदारी करेगा। और ये सामने जो आपको दिख रही है बिल्डिंग, ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, यानी कि वो मकान है जहाँ पर लोग किराए पर रहते हैं। और यहाँ पर मतलब एक 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 एरिए में 500-800 तक मकान होते हैं जिनमें लोग किराए पर रहते हैं। हमारे यहाँ की तरह तो ये था कि भाई मोहल्ले मोहल्ले जाते थे, हम पूछते थे भाई कहीं किराए पे मकान खाली है, कोई कहीं किराए पे मकान दे रहा हो तो बताना हमारे को, हमें मकान चाहिए किराए के लिए। यहाँ पर ऐसा रिवाज है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर। इसी तरीके से किराए के पूरे पूरे बहुत ह्यूज एरिया में अपार्टमेंट्स बने होते हैं जिसमें लोग किराए पर रहते हैं आकर। और फार्मर मार्केट्स जो है वो लगभग यहाँ पर अमेरिका में हर एक शहर में पाई जाती है। और यहाँ पर फार्मर्स तो होते ही हैं जो अपने फार्म के प्रोड्यूस लाके फ्रेश बेचते हैं, इसके अलावा बहुत सारे लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या ऐसे लोग जो कारीगर होते हैं और कोई कलाकृतियाँ बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, वो सारी दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। एक बात जान के आपको ताज्जुब होगा कि फार्मर मार्केट्स का जो इतिहास है अमेरिका में वो बहुत ही पुराना है। आप ये सोचो कि जो सबसे पहली फार्मर मार्केट्स रिकॉर्डेड है वो 1634 में पहली फार्मर मार्केट का रिकॉर्ड मिलता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग 400 साल पहले बोस्टन शहर में, मैसाचुसेट्स में, वहाँ पर पहली मार्केट का रिकॉर्ड मिलता है। और पूरे अमेरिका में लगभग 8000 से ज़्यादा फार्मर मार्केट्स जो हैं वो अमेरिका के अलग अलग शहरों में पाई जाती हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी फार्मर मार्केट है वो है न्यूयॉर्क में, यूनियन स्क्वायर ग्रीन मार्केट न्यूयॉर्क, जो सबसे बड़ी है। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि जो डेन काउंटी फार्मर्स मार्केट है मेडिसन में, विस्कॉन्सिन में, वो सबसे बड़ी फार्मर मार्केट है यहाँ पर। और अगर बात करी जाए कि कौन सी स्टेट जो नंबर वन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मर मार्केट्स होती हैं, तो उसमें कैलिफोर्निया स्टेट का नाम नंबर वन है। वहाँ पर 580 से ज़्यादा फार्मर मार्केट्स लगती हैं अलग अलग जगह पर। हमारी स्टेट में वॉशिंगटन में लगभग 100 के करीब ऐसी फार्मर मार्केट्स जगह जगह पर लगती हैं। अगर आप सिएटल में रहते हो वॉशिंगटन में, तो पाइक प्लेस मार्केट है, वहाँ ज़रूर से जाना और उसको देखना। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और मेरे जाने का वक्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब खैर, बाय गाइस, टेक केयर, फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। Much better, you deserve much better.